जेंडर टर्म को कन्वे कर देता है क्योंकि जेंडर एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट है एंड जो आपका बिल बात कर रहा है वो बायोलॉजिकल सेक्स के बारे में बात कर रहा है. आप ट्रांसजेंडर बाय चॉइस इंक्लूड कर देते हैं बट देन आप फिर जाके कमिटी प्लेस कर रहे हैं कि वो उनको डिफाइन के लिए ट्रांसजेंडर है कि नहीं. तो शुरुआत में तो वो ट्रांसजेंडर नहीं है, बाय लॉ वो ट्रांसजेंडर नहीं है, अपने अपने जमीन में भी वो ट्रांसजेंडर नहीं है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइदर आप ये कर दीजिए कि आप कमेटी हटा दीजिए या कहिए कि आप ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट इंक्लूड कर दीजिए बिकॉज सोसाइटी बिकॉज जेंडर इज आवर सोसाइटी कंस्ट्रक्ट. And that definition, if the it's a good initiative in the government, but they have to define it properly. Yes. जब जब कमिटी वाला मुद्दा आता है तो कमिटी में हम भी हाँ वो साइकोलॉजिस्ट इन दैट राइट चेंज द साइट वेल सो दैट इज टू टू वेरिफाई दैट इट इज अ ट्रांसेक्शुअल बच्चा. Can I add? Yes. Yeah. As asked by ऑनरेबल मेम्बर मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसेक्शुअल्स को ऐड इसलिए करा गया है क्योंकि लाइक आपने ये पूछा कि कमेटी है कमेटी या तो कमेटी हटा दीजिए या ट्रांसेक्शुअल्स हटा दीजिए. पूछा गया कि या तो कमेटी हटा दीजिए या ट्रांसेक्शुअल वर्ड हटा दीजिए. कमेटी बिठाई गई है वहाँ ताकि इस लॉ का कोई अनफेयर यूज़ ना हो. कोई कल को मेल वहाँ जाके या फीमेल जाके इस बिल का अवेल ना करा दिया अपने आपको इसकी जितने भी फैसिलिटीज देता है बिल बोल के कि आई एम अ ट्रांसजेंडर. इसलिए वहाँ कमेटी उठाई गई है टू क्रॉस चेक वेदर द पर्सन इज एक्चुअली कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर और नॉट. एंड इसीलिए ट्रांससेक्शुअल्स को भी ऐड करा गया, ट्रांससेक्शुअल्स बाय चॉइस को भी ऐड करा गया क्योंकि एक इंसान हुलिया कुछ भी बना सकता है, हुलिया बना के कुछ भी कर सकता है, पर एक इंसान अगर बायोलॉजिकली बाय सर्जरी अपना जेंडर चेंज करवा रहा है तो ही सीरियस अबाउट इट बिकॉज यूजुअली आई एम नॉट श्योर ऑन दिस बट यूजुअली सर्जरी इज इररोकेबल, एक बार हो गई तो वापस शायद सर्जरी नहीं होती. तो ही इज प्रीटी मच सीरियस अबाउट दिस सर्जरी. अगर वो इतना सीरियस है और उसने सर्जरी करवा ली है तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हमने कमेटी उठाई है सर्जरी के बाद. सर्जरी से पहले अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं आई एम अ ट्रांसजेंडर एंड आई वॉन्ट टू अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ दिस बिल तो उसके लिए कमेटी बैठी है वहाँ. अ डॉक्टर एंड अ साइकोलॉजिस्ट की पता चल जाए कि वो सच में ट्रांसजेंडर है कि Yes, Mr.